हाय इंडियन गेमर्स, मैं करता हूँ सीधी बात, नो बकवास, और स्वागत करता हूँ आपको टेक मंत्रा की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज मैं आपको जो फौजी गेम के अपडेट्स देने वाला हूँ वो आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिली होंगी, और इन अपडेट के साथ मैं आपको इनके प्रूफ्स भी दिखाते जाऊंगा। तो पहले अपडेट की बात करूं तो दोस्तों, ये गेम एक मल्टीप्लेयर स्टोरी लाइन गेम होने वाला है। इसका प्रूफ आप Enco.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लेयर स्टोरी लाइन गेम आकर होते कैसे? अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मल्टीप्लेयर क्या होता है। तो ऐसा कोई सा भी गेम जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर्स एक साथ उस गेम का एक्सपीरियंस ले सके उसको हम मल्टीप्लेयर बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों मल्टीप्लेयर आप समझ गए, लेकिन इसमें स्टोरी लाइन क्या हो गया? तो अगर आपको मैं साफ साफ हिंट देकर बताऊं तो अगर आपने बॉर्डरलैंड 1 या 2 खेला होगा तो आपको इसके बारे में सही पता होगा, या आपने कॉन्ट्रा तो खेला ही होगा। कॉन्ट्रा में एक ही मैच में आप एक या दो प्लेयर्स खेल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फौजी गेम में पबजी की तरह ही आप मल्टीप्लेयर यानी एक से ज्यादा लोग खेल सकते हो, और वो भी ऑनलाइन खेल सकते हो। लेकिन पबजी में कोई स्टोरी नहीं होती है, और फौजी में आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी। तो फौजी पबजी से काफी अलग होने वाला है, थोड़ा सा आपको पुराने गेम्स के टच उसमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों दूसरा अपडेट है, ये आपको फौजी गेम कब तक आ जाएगा ये आपको क्लियर विजन बता देगा। तो आप लिंक्डइन पे Encore गेम्स की प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री इन्होंने कंप्यूटर गेम्स रखी हुई है, तो मोबाइल गेम्स की जगह यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर गेम्स क्यों लगा ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, तो कंपनी में 17 एम्प्लॉय काम करते हैं, और दोस्तों ये कंपनी 2018 में फाउंड हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 17 एम्प्लॉय दिखा रहा है, लेकिन जब आप इनकी और अंडर प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर 18 एम्प्लॉय दिखाता है। इसका मतलब कि इन्होंने फौजी की लॉन्च डेट के बाद एक गेम डेवलपर को हायर किया है। तो इसमें सिर्फ 3 ही गेम डेवलपर हैं। पहला गेम डेवलपर है पंचमी प्रदीप, इन्होंने Encore को अप्रैल 2020 में ज्वाइन किया था, ठीक फौजी के लॉन्च होने के 2 महीने पहले, और ये और भी कंपनी के साथ काम कर चुकी जैसे एसोसिएट गेम डेवलपर। तो इनके पुराने गेम्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे डेवलपर, तो ये है दोस्तों केतन जायसवाल, ये काफी पुराने गेम डेवलपर है Encore के, इन्होंने काफी गेम्स लॉन्च किए हैं पीसी के, तो वो कौन से गेम्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बंदा और है दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये गेम डिजाइन नहीं करते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी इनका काम है कि गेम्स में अगर कोई भी तरह का बग होता है तो वो फिक्स करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया ना, एक बंदा और ऐड किया इन्होंने गेम डेवलपर, तो उसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं आ रही, तो मुझे ये लगता है कि ये इंडिया के बाहर का डेवलपर है, इसलिए उन्होंने इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी है। तो आप मेरे साथ बने रहना क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं आपको Encore गेम्स के बारे में और डिटेल बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।